पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से वैंग हेलन की क्यादत में चीन के सरमायाकारों के वफद की मुलाकात। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से वैंग हेलन की क्यादत में चीन के सरमायाकारों के वफद ने मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब में सरमायाकारी और सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि पंजाब हुकूमत लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर तेज रफ्तारी से काम कर रही है। लाहौर के साथ दीगर छह बड़े शहरों में भी इस मनसूबे का आगाज किया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहरियों को पुरअमन माहौल की फराहमी के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल मनसूबा है। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि चीन की मुतअद्दिद कंपनी पंजाब के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर रही हैं। पंजाब और चीन की कंपनियों के माबैन बढ़ता हुआ इश्तराक दोनों ममालिक के माशी तालुकात में इजाफे का बायस बन रहा है। पाकिस्तान और चीन के माबैन दोस्ती का लाजवाब रिश्ता मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त है जिसने मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान का हाथ थामा है। चाइना पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के तहत चीन पाकिस्तान में 52 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। सी पैक गेम चेंजर है, इससे पूरे खित्ते को फायदा होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि सी पैक ने पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के दरवाजे खोल दिए हैं। शफाफियत मियार और बड़ी रफ्तारी से मनसूबों की तकमील पंजाब हुकूमत की पॉलिसी है। सरमायाकारों को पंजाब में हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। वैंग हेलन का कहना था कि पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सूबे की तेज रफ्तार तरक्की के लिए वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ के इकदाम काबिल सताइश है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और मुतलका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे।